वो एक कौवे के बारे में है जो अपने जीवन से काफी दुखी था। उसे लगता था भगवान ने उसे कुछ नहीं दिया, ना ही अच्छा रूप ना ही अच्छा गला। उसे लगता था कि अच्छा रूप हो अच्छा गला हो तो व्यक्ति के जीवन में हैप्पीनेस हो सकती है, बट मेरे जीवन में हैप्पी होने का खुश होने का कोई रीजन ही नहीं है। तब उसकी नजर एक कोयल पे जाती है। उसे लगता है कि कोयल को कितनी मीठी आवाज मिली है एंड इसीलिए शायद वो हैप्पी हो गया। वो कोयल के पास जाता है और पूछता है कि तुझे भगवान ने इतना अच्छा गला दिया है तो खुश होगी ना। एंड तब कोयल कहती है कि बगुले के पास तो अच्छा गला भी होता है और अच्छा रूप भी होता है, भगवान ने तो मुझे सिर्फ और सिर्फ अच्छा गला दिया है, रूप नहीं, तो शायद मेरे से ज्यादा हैप्पी तो एक बगुला होगा। वो कौवा उड़ता हुआ एक बगुले के पास जाता है और कहता है कि भगवान ने तुझे इतना अच्छा रूप भी दिया, इतना अच्छा गला भी दिया, तो तू तो ज्यादा खुश होगा ना, तेरे जीवन में तो हैप्पीनेस होगी ना। एंड तब बगुला कहता है भगवान ने तो सिर्फ मुझे एक ही रंग दिया है, तोते को तो अच्छा गला भी दिया है और उसे ज्यादा रंगीन भी बनाया है, ज्यादा कलरफुल भी बनाया है, तो शायद मेरे से ज्यादा हैप्पी तो वो तोता हो सकता है। वो कौवा सोचता है बात तो सही है, उड़ता हुआ तोते के पास जाता है, तोते को पूछता है कि तुझे इतना अच्छा गला दिया है, इतना अच्छा रूप दिया है, तू तो खुश है ना। तब तोता शायद मेरे से ज्यादा हैप्पी, मेरे से ज्यादा खुश तो पिकॉक होना चाहिए। बोले क्यों? बोले मुझे तो भगवान ने सिर्फ दो ही रंग दिए हैं, उसे तो कई गुना ज्यादा कलर्स दिए हैं। और वो पिकॉक के पास लोग सेल्फी खिंचवाने के लिए रेडी होते हैं, वो कब नाचे लोग उसकी राह देखते हैं, मेरे से ज्यादा हैप्पी तो वो पिकॉक। छोटी बात है बट मेरे लिए हैप्पीनेस का रीजन है कि मैं कभी भी पिंजरे में बंद नहीं हुआ आज तक। सेम वे दोस्तों, मेरी कहानी सुनने वाले सारे दोस्तों को मैं यही बात कहना चाहता हूँ, ज्यादातर हम दूसरों के सुख को संपत्ति को देख के ऐसा ही मानते हैं कि शायद वो खुश होगा, शायद वो खुश होगा। बट दोस्तों, आपके जीवन में कौन सी अच्छी चीजें हैं, आपके जीवन में भगवान ने कौन कौन सी अच्छी क्वालिटीज आपको दी हुई है, कौन से अच्छे हुनर आपको दिए हुए हैं, यदि आप उसके ऊपर ध्यान देंगे तो आप जिंदगी भर खुश रहेंगे। सो दोस्तों, आज के बाद दूसरों के साथ कंपैरिजन करना, दूसरों के साथ कंपटीशन करना बंद करें। इंस्टेड खुद के जीवन में जो भी अच्छाइयां हैं उसको देखने की शुरुआत करें दोस्तों। सो कमियां नहीं, खूबियों पे ज्यादा ध्यान दें। और दोस्तों, यदि ये मेरी कहानी आपको पसंद आई हो तो डेफिनेटली आपके दोस्तों के साथ शेयर करें।